टॉप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में आपका स्वागत, मैं पंकज करता हूँ। तो आज ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आप अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज भट्टाचार्य है, मैं भी एक पत्रकार हूँ लेकिन फ्रीलांसर, और एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ वगैरह वगैरह और भी मेरा परिचय है। हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो हिंदी भाषा है वो भारत का आत्मा है, तो इसलिए जो भी पत्रकार है उससे भी सीनियर होगा और आप खुद भी एक पत्रकार हो, तो इसलिए एक्चुअली मैं तो ज़्यादातर बंगाली में करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ लेकिन ज़्यादातर बंगाली में करता हूँ। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस में जो इनिशिएटिव लिया है ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया हाउस ने, वो सराहने योग्य है, क्योंकि मैंने देखा कि इधर राह चलते राहगीर को ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, और भी जो एक्चुअली और भी बहुत सारा काम में ये लोग इन्वॉल्व है, शायद आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि जो पंकज जी है जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो भी बहुत बढ़िया एक पत्रकार है, और उसका जो हिंदी बोलने का जो थ्रो है वो मुझसे बहुत बहुत बेहतर है। साधुवाद। और भी है इधर, मनोज दा है, मनोज शर्मा जी है, और भी जो भी है, लेकिन मैं तो बंगाली हूँ और ज़्यादातर बंगाली लैंग्वेज में ही मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ। हिंदी लैंग्वेज में फिल्म करता हूँ लेकिन बहुत कम मैं हिंदी लैंग्वेज में वो पत्रकारिता करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। तो एक्चुअली आज का जो दिन है ऐसे सेलिब्रेट करने का यही इम्पोर्टेंट है कि हिंदी अभी तो मैं एक्चुअली आत्मा है, मैं खुद एक बंगाली हूँ लेकिन हिंदी मुझे बहुत ही मीठा लगता है और भाषा भी मीठा है, और क्या बोलते कि सारे इंडिया में हिंदी ही बोला जाता है, ज़्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। मेरा मदर टंग बंगाली है इसलिए मैं बंगाली तो लाइक करता ही हूँ, लेकिन जो भी हो, जैसे कि अभी किसी के साथ मैं अगर कनेक्ट करूँ, किसी भी भाषा भाषी हो लोग, उसके साथ हिंदी के ज़रिए मैं बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकता हूँ। सर मनोज सर, रिसेंटली आपका कोई फिल्म प्रोजेक्ट आने वाला है क्या? मैं बंगाली फिल्म किया रिसेंटली, रंजीत मल्लिक जो लीजेंडरी एक्टर है बंगाली का, रंजीत मल्लिक जी के साथ मैंने एक फिल्म किया, लेकिन शूटिंग अभी भी हो रहा है, शायद गाने का शूटिंग हो रहा है, तो रिलीज़ होगा अभी मालूम नहीं कब रिलीज़ होगा, लेकिन अभी भी शूटिंग हो रहा है। इसके अलावा और भी थोड़ा प्रोजेक्ट आने वाला, और एक महत्वपूर्ण बात, वो तो पंकज जी भी जानते, पंकज जी भी मेरे साथ एक बार किया था महाला के दिन जो टीवी में आता है महिषासुर मर्दिनी, उसमें तो मैं महिषासुर बनता ही हूँ, और पूरा प्रोजेक्ट का मैं डायरेक्शन से शुरू होके मेरा स्क्रिप्ट रहता है, और जो भी नए कलाकार है उनको दिखाना, मैं पूरा जो अरेंजमेंट वो मेरे ही होता है, और मैं तो महिषासुर बनता ही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्थ बंगाल का महिषासुर बोला जाता है, और इसी नाम से मेरा पहचान ज़्यादातर है, और कलकत्ता में भी अगर आप कोई भी स्टूडियो में जाएंगे और किसी भी डायरेक्टर को बोलेंगे कि मुझे नॉर्थ बंगाल का महिषासुर भेजा है, तो उन लोग मेरा नाम ही बता देगा, वो मनोज दा, तो ऐसा ही मेरा पहचान बन गया महिषासुर से, और पसंद करता हूँ माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट में काम करना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ। सर भविष्य में कुछ क्या नए कलाकारों को भी आप अपने प्रोजेक्ट में चांस देने वाले हैं क्या? मैं नए कलाकार के साथ ही ज़्यादातर काम करता हूँ, तो कोई भी नया कलाकार हो जिसको अभिनय के प्रति पैशन हो, मैंने क्या बोलते हैं कि पैशनेट हो वो एक्टिंग के बारे में, तो मेरे साथ संपर्क कर सकता है या फिर पंकज जी के साथ संपर्क कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए, इनबॉर्न टैलेंट। मैंने अभी तो मैं देखता हूँ कि रील्स करता है, जो रील्स करता है उसमें भी टैलेंट होता है जी, तो ऐसा नहीं कि वो भी एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकता है, थोड़ा बहुत दिखाना होता है। मैं तो अभी जो जैसे एक पैर को थोड़ा छोटा से बड़ा करता हूँ, मैं भी वो जो एक्टर से नए लोग हैं फ्रेशर से उनको मैं दिखाता हूँ सिखाता हूँ, फिर वो भी कर सकते हैं आपको। सर मेरे
पूरे टीम के तरफ से आने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे प्रोजेक्ट होगा और पंकज जी के साथ आप संपर्क में रहिएगा तो पंकज जी मुझे बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।